नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 1 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार पोस्टल सर्किल के 1940 जीडीएस के पदों के लिए आवेदन की बढ़ी तारीख। ब्रिक्स देशों को अब बिहार के कृषि विज्ञानी सिखाएंगे मखाने की खेती के गुर। बिहार के अफसरों कर्मियों को सरकार ने दी चेतावनी। शिक्षकों के तबादले की बिहार में शुरू हुई तैयारी। बिहार में प्लॉट का नक्शा लेने के लिए नहीं लगाने होंगे विभाग के चक्कर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ब्रिक्स देशों को अब बिहार के कृषि विज्ञानी सिखाएंगे मखाने की खेती के गुर। बिहार के कृषि विज्ञानियों को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसके तहत केंद्र सरकार की तरफ से सभी कृषि कॉलेज को ब्रिक्स देशों को मखाने की खेती के गुर सिखाने के लिए तैयार होने के लिए कहा गया है। ज्ञात हो ब्रिक्स के सदस्य देश रूस, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका की तरफ से इसकी तकनीक साझा करने का प्रस्ताव भारत सरकार के कृषि एवं अनुसंधान विभाग को भेजा गया था। सरकार ने उसे स्वीकार करते हुए बिहार कृषि अनुसंधान केंद्र को इस मामले में मॉडल एवं किसानों को प्रशिक्षित करने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है, जिसके बाद ही अब पूर्णिया के भोला पासवान शास्त्री कृषि कॉलेज के कृषि विज्ञानी अब ब्रिक्स देश को मखाने की खेती के गुड़ सिखाने की शुरुआत करने वाले हैं। बिहार में कोरोना के मिले 250 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 260 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1756 पर पहुंच गई। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, अरवल में 1, औरंगाबाद में 3, बेगूसराय में 5, भागलपुर में 8, भोजपुर में 4, बक्सर में 3, दरभंगा में 10, ईस्ट चंपारण में 4, गया में 1, गोपालगंज में 8, जमुई में 3, जहानाबाद में 1, कैमूर में 1, कटिहार में 8, खगड़िया में 13, किशनगंज में 4, लखीसराय में 15, मधेपुरा में 14, मधुबनी में 6, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 8, नालंदा में 10, नवादा में 9, पटना में 32, पूर्णिया में 13, रोहतास में 2, सहरसा में 18, समस्तीपुर में 7, सारण में 18, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 5, सुपौल में 6, वैशाली में 7, वेस्ट चंपारण में 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 205,085 सैंपल की जांच की गई। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 331 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार का हर पंचायत होगा सोलर लाइट से लैस। बिहार के सभी पंचायतों को सोलर लाइट उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके बाद अब कोई भी गांव गली अंधेरे में नहीं रहेगी। सरकारी सूत्रों की माने तो गांव की गलियों को रोशन करने के लिए सरकार ने नई योजना बनाई है, जिसके तहत गांव में लगने वाले सोलर लाइट के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही एक पंचायत में औसतन 150 स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही एक वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, जिसके बाद सरकार की इस योजना को केंद्र सरकार के समक्ष भेजा जाएगा। एक बार केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार की इकाई ब्रेडा इस योजना को तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाएगी। बीपीएससी 65वीं मेंस के नतीजों की हुई घोषणा। बिहार लोक सेवा आयोग ने 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर दी है, जिसमें कुल मिलाकर 1142 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। आपको बता दें, बीपीएससी की 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 411,470 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसके बाद अब परिणाम की घोषणा हो गई है। साथ ही अब राज्य के अलग अलग विभागों में 434 अधिकारियों की नियुक्ति होनी है। इसमें सबसे अधिक ग्रामीण विकास विभाग में 110 पद, डीएसपी के 62, बिहार शिक्षा सेवा के 72 पद निर्धारित है। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए जल्द ही साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा, जो कि जुलाई महीने के आखिरी हफ्ते में आयोजित किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे विधान चंद्र रॉय की। विधान चंद्र रॉय का जन्म आज ही के दिन बिहार के बांकीपुर में हुआ था। विधान चंद्र रॉय MD, DSC, MRCP, FRCS एक प्रख्यात भारतीय चिकित्सक, शिक्षाविद, परोपकारी स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1948 से 1962 में अपनी मृत्यु तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वो इतिहास के उन गिने चुने लोगों में से एक है जिन्होंने FRCS और MRCP के साथ डिग्री ली। इसके साथ ही भारत में हर साल 1 जुलाई को उनकी याद में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। उन्हें 4 फरवरी 1961 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। बिहार
बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा हुई स्थगित। 11 जुलाई को प्रस्तावित बिहार राज्य स्तरीय 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसको लेकर विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है। जारी किए गए विज्ञप्ति में परीक्षा स्थगित करने का कोई खास कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन समझा जाता है कि कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार फिलहाल कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती, इसलिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की सभी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद भी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। वहीं अब अभ्यर्थियों को नई तारीख का इंतजार है। पोस्टल सर्किल के 1940 जीडीएस के पदों के लिए आवेदन की बढ़ी तारीख। भारतीय डाक विभाग के बिहार पोस्टल सर्किल के 1940 ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए आवेदन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 जुलाई तक इंडियन पोस्ट रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट appost.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब जल्द ही बदला सा दिखेगा पटना एयरपोर्ट। अब पटना एयरपोर्ट का नजारा बदलने वाला है, क्योंकि नगर निगम को प्रवेश द्वार पर बाउंड्री के आसपास के क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने जारी कर दिया है, जिसके तहत अब पटना एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर बाउंड्री के पास अनधिकृत रूप से अब ना तो वाहनों को पार्किंग करने की अनुमति दी जाएगी और ना ही एयरपोर्ट के आसपास मांस मछली की दुकान को लगाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने हवाई अड्डे के बाहर साफ सफाई को खास ख्याल रखने का भी अपील किया है। इसके साथ ही परिसर के बाहर कूड़ा निस्तारण के लिए लगातार कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट के आसपास आवारा कुत्तों से होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए निगम को स्थल निरीक्षण कर ऐसे कुत्तों को हटाने के संबंध में प्रभावी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है। बिहार के अफसरों कर्मियों को सरकार ने दी चेतावनी। बीते दिन बिहार के सभी सरकारी अफसरों और कर्मियों को सरकार ने चेतावनी दी है, जिसके तहत सरकार ने सरकारी सेवकों की चल अचल संपत्ति क्रय विक्रय को लेकर सचेत किया है, जिसके तहत मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और सभी डीएम को पत्र जारी किया है। जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि सरकारी सेवकों द्वारा चल अचल संपत्ति के क्रय विक्रय के संबंध में सरकारी सेवक आचरण नियमावली बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि इन प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने साफ चेताया है कि जो सरकारी सेवक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ अनुशासनिक एवं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। भारतीय तटरक्षक में नौकरी का मिला मौका। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। भारतीय तटरक्षक और तट सेना के कई पदों पर आवेदन की मांग की गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जनरल ड्यूटी जीडी के लिए न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होना और 10+2 की परीक्षा में गणित भौतिक विषय होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, इंस्ट्रूमेंटेशन और नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नौसेना, वास्तुकला, मैकेनिकल, समुद्री मोटर वाहन, मेट्रॉनिक्स, औद्योगिक और उत्पादन, धातु विज्ञान, डिजाइन, वैमानिकी, एरोस्पेस में इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा के साथ 60% अंक होना अनिवार्य है। बिहार के सभी जिलों में मौसम का हाल कैसा रहेगा? आईएमडी पटना की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया में एक या दो स्थान पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद के साथ ही दक्षिण मध्य बिहार के बेगूसराय, गया, पटना, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, दक्षिण पूर्व बिहार के बांका, भागलपुर, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर में बारिश के साथ साथ स्थानीय बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम बिहार के वेस्ट चंपारण, सिवान, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली के कई स्थानों में भी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। अब बिहार में प्लॉट का नक्शा लेने के लिए नहीं लगाने होंगे विभाग के चक्कर। बिहार में प्लॉट का नक्शा हासिल करने के लिए आपको अब तक काफी ज्यादा जद्दोजहद का सामना करना पड़ता था। हालांकि अब बिहार वासियों को नक्शा पाने के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बिहार सर्वेक्षण कार्यालय गुलजारबाग पहुंचे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अब आपके घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन ऑर्डर करते ही भू नक्शा की होम डिलीवरी हो जाएगी। इतना ही नहीं, अब अगर आप चाहें तो अपने भूखंड के नक्शे को डाउनलोड कर उसे A4 साइज के प्रिंट में भी रख सकते हैं, जिसकी व्यवस्था इसी महीने से शुरू होने वाली है। दूरस्थ
शिक्षा कोर्स पर यूजीसी ने लगाई रोक। बिहार के विश्वविद्यालयों में हो रहे दूरस्थ शिक्षा कोर्सेज पर यूजीसी की तरफ से रोक लगा दी गई है, जिसके तहत अब बिहार के कोई भी विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कोई कोर्स नहीं करवा पाएंगे। जारी की गई जानकारी के अनुसार मानक पर नहीं उतरने के कारण इन विश्वविद्यालयों की मान्यता खत्म हो चुकी है। इसको लेकर हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो ने देश भर में दूरस्थ शिक्षा के लिए मान्य विश्वविद्यालय और उनके संस्थानों की सूची जारी कर दी है, जिसमें बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान को जगह नहीं मिली है। वहीं अब तक बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय बोधगया से दूरस्थ शिक्षा के विभिन्न तरह के कोर्सेज कराने की अनुमति थी, लेकिन अब नहीं होगी। अमूल दूध हुआ महंगा। आम आदमी जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल खाने के तेल के बढ़ते दाम से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ अब दूध पीना भी महंगा हो गया है, जिसके तहत आज से अमूल दूध 2 रुपए महंगा मिलेगा। इतना ही नहीं अमूल के सभी मिल्क प्रोडक्ट अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल ताजा, अमूल टी स्पेशल, अमूल स्लिम एंड ट्रिम में 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद अब दूध 58 रुपए प्रति लीटर का मिलेगा। गौरतलब है कि लॉकडाउन और अनलॉक की प्रक्रिया के बीच लगातार बाजार खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं, ऐसे में लोगों के रोजगार पर जारी संकट के बीच बढ़ती महंगाई नई चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के कारण जान गंवाने वालों के परिवार को दी राहत। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसके बाद से ही लगातार जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों को मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपए की राशि देने की मांग उठाई जा रही थी। इसको लेकर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जारी कर दिया है, जिसके तहत अब कोर्ट ने भी यही निर्णय लिया है कि कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार किसी भी हाल में मुआवजा दे। हालांकि कोर्ट ने इस दौरान मुआवजे की रकम तय नहीं की है। इसके साथ ही कोर्ट ने जान गंवाने वालों के परिवारों से मुआवजा देने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का भी निर्देश दिया है। इस दौरान SC ने कहा है कि कोविड पीड़ित को अनुग्रह राशि सहित राहत के न्यूनतम मानक प्रदान करना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए वैधानिक रूप से अनिवार्य है। आज से बदल जाएंगे ये नियम। आज से आपकी जिंदगी से जुड़े कई नियमों में बदलाव आने वाला है, जिसके तहत तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर के दाम की समीक्षा करती है। 1 जुलाई 2021 से देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बदल जाएगी। इसके साथ ही SBI ने 1 जुलाई 2021 से नए सर्विस चार्ज लागू किए हैं। 1 जुलाई से बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता धारकों को बैंक के ब्रांच से या फिर ATM से मुफ्त में पैसे निकालने की सुविधा सिर्फ 4 बार ही मिलेगी। यदि ग्राहक 4 बार से ज्यादा निकासी करते हैं तो बैंक इस पर चार्ज वसूलेगा। इसके अलावा बुजुर्गों को छोड़कर सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता धारकों को SBI एक वित्त वर्ष में 10 चेक मुफ्त देगा। इसके बाद 10 चेक वाले चेकबुक के लिए आपको 40 रुपए, 25 चेक वाली चेकबुक के लिए 75 रुपए, 10 चेक वाली चेकबुक के लिए 50 रुपए के साथ GST का भुगतान भी करना होगा। इसके अलावा कैनरा बैंक ने ग्राहकों को सूचित किया है कि सिंडिकेट बैंक का IFSC कोड 1 जुलाई 2021 से अमान्य हो जाएगा। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी 1 जुलाई से अपनी गाड़ियों की कीमतों में 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी भी करेगी। दरभंगा एयरपोर्ट पर टर्मिनल भवन का रास्ता हुआ साफ। बिहार सरकार के दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार की मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना ने सरकार को इस बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। मंत्री संजय कुमार झा की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एयरपोर्ट पर मौजूदा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए वायुसेना से 2.43 एकड़ भूमि की मांग की थी, जिसकी मंजूरी अब मिल गई है। वहीं इस बाबत मंत्री संजय झा ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हमें खुशी है कि दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए इंडियन एयरफोर्स से NOC मिल गई है। राज्य सरकार अब जल्द ही आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करेगी ताकि यहां टर्मिनल भवन और जरूरी सुविधाओं का निर्माण कराया जा सके। शिक्षकों के तबादले की बिहार में शुरू हुई तैयारी। बिहार में शिक्षकों के तबादले को लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है। जल्द ही इसको लेकर आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। जानकारों की माने तो इसको लेकर एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिसको जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरा करने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद शिक्षकों से आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग की माने तो तैयार किए जा रहे सॉफ्टवेयर को सिर्फ और सिर्फ पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जिसका लाभ बिहार के लगभग 2.69 लाख नियोजित शिक्षक और पुस्तकालाध्यक्ष को मिलेगा। इसके साथ ही 1.20 लाख सीट ऐसी भी होंगी जिन पर फिलहाल आवेदन नहीं किए जा सके हैं, क्योंकि इन सीटों पर बहाली होना अभी शेष है। दिल्ली से पटना पहुंचे CM नीतीश। आखिरकार 8 दिनों के बाद बिहार के मुखिया बिहार वापस आ गए हैं। अपने दोनों आंखों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन करवाने के बाद नीतीश की अब बिहार वापसी हो गई है। वहीं दिल्ली से लौटने के बाद पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने कहा है कि आप अब जा सकते हैं, मैं पटना आ गया हूं, 2-4 दिन बाहर नहीं निकलना है, बाकी सब ठीक है। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 22 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उस दौरान कई लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश की थी, हालांकि जिस वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए थे वो वजह पूरी हो गई। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरीके से स्वस्थ नजर आ रहे हैं।
तेजस्वी तेज प्रताप यादव ने लगवाई वैक्सीन। लालू प्रसाद यादव के दोनों पुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने वैक्सीन की डोज लगवा ली है। हालांकि इन दोनों ने भारत में बनी हुई वैक्सीन को तवज्जो नहीं दी। आपको बता दें, दोनों भाइयों ने पटना स्थित मेदांता अस्पताल में स्पुतनिक वी वैक्सीन लगवाई है। यह रूस की वैक्सीन है जिसे भारत सरकार ने देश में आपात इस्तेमाल की इजाजत दे रखी है। आपको यह भी बता दें कि भाजपा और जदयू लगातार ही इस बात पर सवाल उठाते रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों भाई कोरोना टीका लेने से डरते हैं या फिर कोई और बात है जो वो जनता के सामने नहीं लाना चाहते। इस तरह के कई आरोप, सवाल और अटकलों को हवा मिलती देख दोनों भाइयों ने इसका जवाब सीधे कोरोना वैक्सीन लगवा कर दिया है। चिराग पासवान ने चाचा के खिलाफ कोर्ट जाने की कही बात। इन दिनों लोजपा में राजनीतिक कलह के साथ साथ पारिवारिक कलह भी जारी है। इस बीच लोजपा की कमान कमोबेश अब पशुपति पारस के हाथ में ही चली गई है। हालांकि इन सब के बावजूद चिराग और कुर्सी दोनों को बचाने के लिए फिर से पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इस बीच चिराग ने बीते दिन एक बार फिर से चाचा पशुपति पारस के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान चिराग ने कहा कि अगर इतना सब होने के बाद भी अगर चाचा पशुपति पारस को पीएम कैबिनेट में मंत्री की जगह मिलती है तो मैं इसके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। इसको लेकर चिराग पासवान ने आगे कहा कि मैंने 5 सांसदों को पार्टी से निकाला है जिसमें पारस का नाम भी शामिल है। भले ही वो संसदीय दल के नेता हों लेकिन लोजपा के नेता नहीं है। असली लोजपा हम थे और हैं। अब वो अपनी कोई भी पार्टी बनाकर या जदयू में शामिल होकर या भाजपा में शामिल होकर या निर्दलीय सांसद के तौर पर केंद्र सरकार में मंत्री बनते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई 6 से 8 तक के बच्चों के लिए कर सकता है कुछ खास। कोरोना के वर्तमान माहौल के बीच सीबीएसई अब जल्द ही छात्रों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने कदम बढ़ाने वाला है। यही कारण है कि सीबीएसई ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए हस्तशिल्प की पढ़ाई शुरू करने का ऐलान किया है। इस बाबत बोर्ड ने हस्तशिल्प और कालीन क्षेत्र कौशल परिषद के सहयोग से छात्रों के लिए हस्तशिल्प पर कौशल मॉड्यूल सिलेबस तैयार कर इसको जारी किया है। इस कोर्स को कुल मिलाकर 12 घंटे का बनाया गया है। आपको बता दें, इस कोर्स में व्यावहारिक गतिविधियों पर खास ध्यान दिया गया है। इस हैंडबुक में 2 मॉड्यूल शामिल होंगे जिसमें फैशन ज्वेलरी की भी पढ़ाई कराई जाएगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन 1862 में आज के दिन हुआ। भारत में 1879 में पोस्ट कार्ड की शुरुआत आज के दिन हुई। 1881 में आज के दिन टेलीफोन पर पहली बार इंटरनेशनल कॉल की गई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में आज के दिन हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में राष्ट्रीय विकास के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा आज के दिन की। भारत में 2017 को अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में वस्तु एवं सेवा कर लागू आज के दिन किया गया। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ कल्पना चावला का जन्म 1961 में आज के दिन हुआ था। कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक वो भी थी। आज के दिन को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर पर पंचायत ने लगाया जुर्माना। भारत के पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा पर गोवा के एक गांव में कचरा फेंकना महंगा पड़ा है। कचरा फेंकने के जुर्म में हाल ही में स्थानीय ग्राम पंचायत ने जुर्माना लगाया जिसके तहत अजय जडेजा पर गांव की सरपंच तृप्ति बंदोदकर ने गांव में कचरा फेंकने के लिए 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके बाद बंदोदकर ने बताया कि 90 के दशक के लोकप्रिय क्रिकेटर ने बिना किसी हंगामे या शोर शराबे के साथ जुर्माने की राशि अदा कर दी है। सरपंच ने कहा कि हम अपने गांव के कचरे के मुद्दे से परेशान हैं। इसके साथ ही सरपंच ने बताया है कि अजय ने अपने भूल को समझा और फाइन पे कर दिया है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 30 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,740 रुपये था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,740 रुपये था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,600 रुपये था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो पेट्रोल के दाम ने आम नागरिकों पर बुरा प्रभाव डाला है। राज्य में पेट्रोल की कीमत शतक पार 101.08 रुपये प्रति लीटर और डीजल शतक के करीब 95.12 रुपये प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है ओमकार सिंह, राजीव कुमार, कमला अग्रवाल, ललित कुमार, प्रवीण कुमार, जगदीश मिश्र, दिलीप गुप्ता, नीतीश कुमार, गोविंदा कुमार, धर्मेंद्र कुमार, ममता कुमारी, आभा कुमारी, नुन्नू कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय टीम का अब तक का सबसे सफल कप्तान कौन रहा है? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।